ये डॉग अपने घर जाने का रास्ता भूल जाता है और कूड़े में खाना ढूंढता है। तभी वहाँ उसे एक ग्रैंडपा देखते हैं। वो इस डॉगी को कुछ खाने को देते हैं और इस मासूम को अकेला देखकर वो उसे अपने घर ले आते हैं। उसके बाद इसे नहलाते हैं और इसके नेक पे एक पट्टा भी बांधते हैं। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस डॉगी के आने से पहले ग्रैंडपा बिल्कुल अकेले थे। उनकी पत्नी और बेटी की मौत के बाद ये डॉगी को ही अपनी फैमिली माने लग गए थे। एक दिन जब वो डॉगी को अपने साथ घुमाने ले जा रहे थे तो इसी डॉगी का लॉस्ट पोस्टर देखते हैं। अब वो अपने दिल पर पत्थर रख कर उसी रात उस डॉगी के मालिक को फोन कर देते हैं और ये लोग अगले दिन आकर डॉगी को अपने साथ ले जाते हैं और ग्रैंडपा बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। फिर एक दिन डॉगी के मालिक को रियलाइज होता है कि शायद ये डॉगी भी उनको मिस करता है। तब ये लोग ग्रैंडपा को फोन करके अपने घर बुला लेते हैं, जिससे ये दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं और अब ग्रैंडपा को एक नई फैमिली मिल जाती है।